हरभजन सिंह का पाकिस्तानी मीडिया के साथ झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। कभी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और कभी जर्नलिस्ट हरभजन सिंह के साथ झगड़ते ही रहते हैं, और उसकी वजह है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगी कि या नहीं। उनकी क्रिकेट की हालत खराब है, उनके चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं है, वकार यूनिस वापिस से पीसीबी में आ गए हैं टू हैंडल और क्रिकेटिंग मैटर्स, लेकिन अभी चिंता सिर्फ यही है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी कि नहीं। वो इस चीज से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया आगे अगर पाकिस्तान को हरा दे, विराट कोहली वहां सेंचुरीज मार ले, रोहित शर्मा सेंचुरीज बना ले, लेकिन वो पाकिस्तान आने चाहिए। सिर्फ इसी चिंता की वजह से ये सारे झगड़े हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये डिसीजन जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं उनको लेना है, साथ में इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल। जैसे पहले मैंने बताया, जय शाह भी अपने बेसिस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते, वो अथॉरिटी है जो फाइनल कंफर्मेशन देंगे, लेकिन ये फाइनल कंफर्मेशन वो तभी दे सकते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट इस डिसीजन के ऊपर स्टैंप लगाए, इंडियन गवर्नमेंट वीजा देने के लिए रेडी हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे दे। तो फिलहाल कोई क्रिकेटर क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर इरफान पठान, हरभजन सिंह या किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो पाकिस्तान मीडिया और एक्स क्रिकेटर्स पागल से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मुंह बंद करा देंगे तो इंडिया आ जाएगी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेवकूफी की हरकत है। और अभी क्या हो रहा है कि एक्स क्रिकेटर्स तो जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हरभजन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बदले में यही हो रहा है कि हरभजन सिंह जो खुद भी शांत रहना पसंद नहीं करते वो उनके साथ झगड़ रहे हैं। अब यहाँ पर दो बड़े झगड़े जो पिछले 2-3 दिनों में हुए हैं वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, और पूरी मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में खासकर, इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। एक वीडियो है जहां पर बाबर आजम के फैन क्लब ने एक मेंशन किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इरफान पठान आया था बाबर आजम से इंटरव्यू लेने इंडिया में, लेकिन बाबर आजम ने डांट के इरफान पठान को भगा दिया। अब ये एक बहुत ही वाहियात और बेवकूफी की बातें हैं। बाबर आजम का फैन क्लब, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका पीआर पूरा काम करता है किसी तरीके से उन्हें कवर करने के लिए, जबकि बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत हुई थी, लेकिन उनके पीआर का काम है एक ऐसा वीडियो जिसमें कि कहीं भी आपको इरफान पठान नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बाबर आजम इशारे से किसी को मना कर रहे हैं, और बाबर आजम के पीआर ने एक स्टोरी बना दी कि इरफान पठान इंटरव्यू लेने आए थे लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के ने जब पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान ने डांस किया था। उस बात उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, उन्हें इस बात की चिंता है कि इरफान पठान ने डांस क्यों किया और इस वजह से इरफान पठान को इंटरव्यू नहीं देना। अब आप देख चुके हैं कि इरफान पठान के साथ पाकिस्तान का क्या रिश्ता है। हर संडे जब भी पाकिस्तान हारती है एक ट्वीट आता है, पड़ोसियों संडे कैसा रहा है, और इस तरीके की चीजें हो रही हैं। क्रिकेट को सुधारने की जगह इस तरीके के मीम्स और सोशल मीडिया के झगड़े हो रहे हैं। और जो दूसरा झगड़ा है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर तो हरभजन सिंह ने इरफान पठान के ट्वीट के सपोर्ट में ट्वीट किया और बोला कि कहाँ है इसमें इरफान पठान, जरा मुझे बता दीजिए, फिर इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। और दूसरा झगड़ा वो है जहां पर हरभजन सिंह काफी भड़क उठे थे, ये हुआ है फारिद खान नाम के एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में, जो कि खुद को एक क्रिकेट जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन अगर वो आप देखोगे तो वो पूरे टाइम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा होता है, उनकी टीम यूएसए से हार जाए, आयरलैंड से हार जाए, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इंडिया श्रीलंका का मैच टाई हो गया, देखा बीसीसीआई का घमंड टूट गया। तो ये उस तरीके के, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही गिरे हुए किस्म के जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने अभी हरभजन सिंह को ट्वीट करके ये कहा कि शाहिद आफरीदी ने आपको एक बार लाहौर में 4 छक्के मारे थे इन रो, इसी डर से आप चाहते हो कि इंडियन टीम नहीं आए। इस बात पे हरभजन सिंह काफी भड़क गए, और हरभजन सिंह ने उन्हें कहा कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, जिस शाहिद आफरीदी की बात हो रही है वो शाहिद आफरीदी बड़े बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप में क्या किया उसने इंडिया के खिलाफ, आज तक 2007 के फाइनल में तो 0 पे आउट हो गए थे। तो हरभजन सिंह ने यही कहा है कि खेल में हार जीत होती रहती है, बात खेल की नहीं है। उन्होंने 2009 में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम के ऊपर, उसकी फोटो डाल के लिखा है कि ये है खतरे की वजह और इस वजह से हमारी टीम वहां नहीं आ सकती, और उसके बाद उन्होंने लिखा है गेट द एफ आउट ऑफ हियर। अब एफ क्या है वो हम सब समझ रहे हैं, उन्होंने कहा है एफ मतलब फारिद, तो अब फारिद को वो क्या कह रहे हैं तो आप समझ रहे हो ना। और मेरे ख्याल से हरभजन सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, इस तरह के जर्नलिस्ट जिनके पास और कुछ बचा नहीं है टॉपिक, वो इसी चीज के ऊपर बस भिरे पड़े हैं कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी। उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उनकी टीम क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ये मसले जो हैं ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हैं,
ये उसको हैंडल कर लेंगे। चिंता का जो टॉपिक होना चाहिए, जो चिंता की विषय होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान टीम होम में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लायक है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी डी टीम होम में आके पाकिस्तान को व्हाइट बॉल सीरीज में ड्रॉ कर देती है, कुछ मैचेस हरा देती है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो वो एक टेस्ट मैच तक नहीं जीत सके होम में, तो उनके चिंता ये होनी चाहिए कि होम में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है और अगर हम होम में हारते हैं तो कितनी गालियां पड़ सकती है, तो टीम का क्या सिचुएशन है, क्या वकार यूनिस का वापस आना सही है, क्या पाकिस्तान टीम में इस वक्त भी झगड़े हैं। इस तरीके की बातों को छोड़कर हरभजन सिंह और इरफान पठान से वॉर ऑफ वर्ड्स करने से किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और हरभजन सिंह भी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें मुझे लगता है कि इस तरीके के जर्नलिस्ट को जवाब देने की जगह ब्लॉक कर देना ही बेहतर होता है, लेकिन हरभजन सिंह भी किसी के जवाब सुन के चुप नहीं बैठ सकते, उन्होंने भी जाके जवाब देना शुरू कर दिया है और यही काम इरफान पठान का भी है। तो फिलहाल मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी इनके बीच ये झगड़ा चलता रहेगा। और तनवीर अहमद साहब, जिन्हें मैं तनवीर आंटी कहता हूँ, वो भी कूद रही थी, वो कह रही थी कि हरभजन सिंह तुम एक दोगले इंसान हो, एक ऐसी घटिया बात की है तुमने, हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, जिसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसमें वो डर गए हैं क्योंकि इंडियन फैंस ने उन्हें काफी टारगेट किया है। तो उसमें मैं कहता हूं कि हरभजन सिंह जैसा ऑफ स्पिनर तो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। 400 टेस्ट विकेट हैं उनके, 400 टेस्ट विकेट वाला ऑफ स्पिनर कोई पाकिस्तान में है तो भाई आप उसका नाम बता दीजिए, क्योंकि तनवीर अहमद साहब तो कह रहे थे कि ऐसे पाकिस्तान में ऐसे गली गली में ऑफ स्पिनर है। तो मैं कहता हूँ कि भाई गली गली क्या छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक ऑफ स्पिनर बता दीजिए जिसके 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट है, फिर मैं मान जाऊंगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।